नर्मदा प्रदूषण मुक्ति का संदेश देने निकले मुंबई के दो अफसर, यात्रा के चौथे दिन पाटी नगर में हुआ आगमन। पाटी, जीवन में कुछ अच्छा करने की ठान ले तो पद की गरिमा वो उम्र आड़े नहीं आती। नर्मदा की स्वच्छता एवं प्रकृति को प्रदूषण मुक्त करने मुंबई के दो अफसरों ने ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा करने के लिए साइकिल पर निकले। इनमें से एक संजय रावत मुंबई में आयकर अधिकारी थे, उनकी नौकरी को 5 साल बचे थे। वहीं दूसरा मुंबई महानगर पालिका से सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी सतीश रावत है। वो सतीश रावत 64 वर्ष व आयकर अधिकारी संजय रावत 55 वर्ष में 4 दिन पहले ही ओंकारेश्वर से साइकिल से परिक्रमा शुरू की है। ओंकारेश्वर से शुरू हुई साइकिल यात्रा का चौथा दिन पाटी नगर में आगमन हुआ। उन्होंने बताया कि गुरु मंगलदास महाराज के आदेश पर नर्मदा परिक्रमा कर लोगों को नर्मदा को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दक्षिण तट पर खासकर स्वच्छता अभियान व पौधारोपण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह यात्रा ओंकारेश्वर से 3,3200 किलोमीटर दूर तक जाएगी। वहीं यात्रा का समापन वापस ओंकारेश्वर में ही किया जाएगा। सर, आपका? मेरा नाम संजय सावंत है। और मेरा नाम सतीश यादव है। हम मुंबई के रहने वाले हैं। कहाँ से यात्रा प्रारंभ करी और कहाँ तक जाएगी? हमने ये ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा उठाई है और ये ओंकारेश्वर से ही में ही ख़त्म होगी। हमें इन बिटवीन ये है कि नर्मदा मैया को क्रॉस नहीं करना है कहीं भी, तो हम पूरी प्रदक्षिणा करेंगे उनकी। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है, पहली चीज़ ये है कि हमें नर्मदा परिक्रमा करनी है, लेकिन हमें हमारे जो गुरुजी है उन्होंने एक उद्देश्य हमें दिया है कि आप जा ही रहे हैं तो क्यों ना आप कोई उद्दिष्ट लेके चले। तो उन्होंने हमें उद्दिष्ट दिया कि आप लोगों को समझाइए कि नर्मदा मैया में आप कचरा नहीं डालें, प्रदूषण से उन्हें रोके और जहां हो सके वहां आप पौधे लगाइए। ये उन्हें हमें उद्दिष्ट दिया, ये उद्दिष्ट से लेके हम चल रहे हैं। कितने दिनों की यात्रा होगी आपकी? ये ऐसे कोई कह नहीं सकते क्योंकि 3500 किलोमीटर हमें चलना है, हमको ये ऐसे फिक्स नहीं, फिर भी हम 40-50 किलोमीटर हर दिन कर लेते हैं।